उत्तराखंड महिला आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण से करी शिष्टाचार भेंट, महिला सशक्तिकरण सहित कई अन्य विषयों पर विस्तार से हुई चर्चा। मुजफ्फरनगर में बेटियों ने शराबी पिता की जमकर करी पिटाई, पत्नी ने भी जमकर चप्पल से पीटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से हो रहा है वायरल। फरुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र में बाइक सवार युवक को लोडर ने कुचला, हादसे में सवार दंपत्ति, बेटा और साली हुए घायल, जिनका इलाज जिला अस्पताल में जारी। रुड़की में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ईद उल अजहा को लेकर क्षेत्र के लोगों के साथ बुलाई बैठक, कहा कुर्बानी का वीडियो बनाया तो होगी सख्त कार्रवाई। हरिद्वार में जीआरपी ने 15,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार, लूट के आरोपी की पुलिस 6 सालों से कर रही थी तलाश। आजमगढ़ में दबंगों से परेशान दिव्यांग परिवार के एक साथ कफन ओढ़कर किया प्रदर्शन, दिव्यांग के साथ गांव के लोगों ने भी करी नारेबाजी, न्याय की करी गुहार। जनपद मुजफ्फरनगर में बीते कल जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा को स्थानीय दुकानदार ने दी जान से मारने की धमकी, पहली सनसनी थाना नई मंडी कोतवाली में मुकदमा दर्ज। संत कबीरनगर में करीबन 7 करोड़ की लागत से बने 50 बेड के आयुष अस्पताल में पड़ी दरार, 6 महीने पहले सीएम ने वर्चुअली लोकार्पण करके जनता को किया था समर्पित। एएमयू के जेएन मेडिकल कॉलेज में अनियंत्रित दिल की धड़कन की पुष्टि के लिए किया गया परीक्षण, कार्डियोलॉजी विभाग ने कार्यशाला का किया था आयोजन।